शादी की पहली सालगिरह से पहले ही प्रियंका निक के परिवार में आया ये नन्ना मेहमान। मास्टर शेफ लुक में दिखे तैमूर, तैमूर ने बनाई मम्मी करीना कपूर खान के लिए आइसक्रीम। कौन जीतेगा बिग बॉस 13 का जीत का खिताब, इस दिन होगा ये खुलासा। बर्थडे के दिन ही हिमांशी खुराना को लगा बड़ा झटका, हाथ से निकली कैप्टेंसी और ये शख्स बन सकता है नया कैप्टन। हंगामा 2 में साउथ की इस हसीना के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे मिजान जाफरी, प्रिय दर्शन कर रहे हैं इस फिल्म का डायरेक्शन। वेल गाइज, दिस इज सोनम एंड आई एम बैक विद द अनदर गॉसिप एपिसोड ऑफ ई बस। तो फिर किस बात का इंतजार करते हैं शुरुआत। तो प्रियंका चोपड़ा पिछले कुछ हफ्तों से काम में काफी ज्यादा बिजी थी, वो अपने पति को टाइम नहीं दे पा रही थी। अब दोनों एक बार फिर से साथ होने जा रहे हैं। जी हाँ, प्रियंका पिछले दिनों भारत में ही रुकी हुई थी, वो नेटफ्लिक्स की फिल्म द व्हाइट टाइगर की शूटिंग कर रही थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान वो मुंबई और दिल्ली में ही ठहरी हुई थी। प्रियंका चोपड़ा जब अपने पति निक जोनस से मिली तो उन्होंने दे दिया उनको एक सरप्राइज। सरप्राइज गिफ्ट कुछ और नहीं था बल्कि एक जर्मन शेफर्ड पपी था। नींद की आगोश में लेटे निक जोनस की गोद में उन्होंने एक पपी डाल दिया जिसे देखकर वो हैरान हो गए। वैसे आपको बता दें कि निक जोनस बहुत ही ज्यादा एनिमल प्रेमी हैं, वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जानवरों से। वेल, करीना कपूर खान चंडीगढ़ में फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग कर रही हैं। शूटिंग के बीच वक्त निकालकर करीना अपने लाडले बेटे तैमूर के साथ कुकिंग में भी हाथ आजमाते हुए नजर आई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटोज में तैमूर और करीना एप्रन पहने हुए दिख रहे हैं और सर पर सेफ वाली टोपी भी लगाई हुई है। आपको बता दें कि करीना रियल में शेफ के साथ खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दी हैं, जबकि तैमूर काफी सीरियस दिखाई दे रहे हैं। वैसे तैमूर का मास्टर शेफ लुक लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। वहीं सलमान खान का सुपरहिट टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 13 सीजन काफी रोमांचक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेकर्स ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। इस फैसले के मुताबिक इस टीवी रियलिटी शो को और भी कुछ दिनों तक के लिए टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा। जी हां, रिपोर्ट्स की माने तो बिग बॉस 13 का फिनाले फरवरी के महीने में 16 तारीख को शुरू होगा। इस टीवी शो में जीत का ताज किसके सर पर बंधेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ऐसे में कौन इस खिताब को जीतता है इसे देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वेल, बिग बॉस 13 के घर में जब से ही हिमांशी खुराना को कैप्टेंसी का कार्यभार मिला है तब से कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक कि शिफाली जेरीवाला और असीम रियाज को छोड़कर कोई भी उन्हें घर का कैप्टन मानने को भी तैयार नहीं है। ऐसे में हिमांशी खुराना इस हफ्ते कैप्टन के तौर पर अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं कर पा रही हैं। आज हिमांशी खुराना का बर्थडे भी है और आज ही के दिन बिग बॉस उन्हें एक बड़ा झटका भी देने वाले हैं। बॉलीवुड में बीते दिनों ही कई नए स्टार्स की एंट्री हुई है, इन्हीं में एक नाम था मिजान जाफरी का। जी हां, जावेद जाफरी के बेटे मिजान जाफरी इसी साल फिल्म मलाल से डेब्यू कर चुके हैं। खैर, हाल ही में खबर आई है कि मिजान जल्द ही एक और नई फिल्म में दिखने वाले हैं। दरअसल फिल्म मेकर प्रियदर्शन जल्द ही फिल्म हंगामा 2 को बनाने जा रहे हैं। प्रियदर्शन फिल्म के सीक्वल पर काम भी शुरू कर चुके हैं। इस फिल्म के सीक्वल के लिए प्रियदर्शन ने मिजान जाफरी को फाइनल कर लिया है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में उनके साथ साउथ की एक हसीना भी रोमांस करते हुए दिखाई देंगी। वेल गाइज, दिस इज इट, आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर होंगे हाजिर कुछ और नई गॉसिप्स के साथ, लेकिन आप रखिए अपना ख्याल। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।